तो अब हम सीख रहे हैं आज मीटर रीडिंग 3 शीट, और इसमें हम यूज़ कर इस्तेमाल सीखेंगे इफ़ कंडीशन का। तो कंडीशन इफ़ ये एक फंक्शन है, यानी कि इफ़ ये भी एक फंक्शन है, जैसे सम एक फंक्शन है, सम इफ एक फंक्शन है, या फिर आपने भी यूज़ किया वही लुकअप एक फंक्शन है, तो इफ़ भी एक फंक्शन है। अब जो इफ़ फंक्शन है ये, इसको हम कहते हैं कंडीशनल लॉजिक, मतलब ये आपके प्रोग्राम में एक लॉजिक डालेगा। लॉजिक से मतलब ये होगा कि जब ये लॉजिक ऐड करेगा तो आपका प्रोग्राम जो है फिर लीनियर काम नहीं करेगा बल्कि कंडीशन पर काम करेगा। मतलब अभी तो आप लिखते हैं सम, तो डायरेक्टली सम हो जाता है, लेकिन ये तो आप नहीं बताते ना कि कब सम करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर कंडीशनल लॉजिक को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी कंडीशन आप बताते हैं इसके अंदर, ठीक है? और जब कंडीशन आप इसके अंदर बता देते हैं तो फिर कंडीशन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है ट्रू जो आप यहाँ बताएंगे, और दूसरा होता है फॉल्स जो आप यहाँ बताएंगे, ठीक है? मतलब या तो आपका जो कंडीशन है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन मीट करती है अपने क्राइटेरिया को तो खाली ये वाला कोड चलेगा, ठीक है? और अगर इफ कंडीशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, मतलब अगर कंडीशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट मीट, तो फिर क्या होगा? फिर ये फॉल्स वाला कोड चलेगा, मतलब दोनों में से कोई एक कोड परफॉर्म हो सकेगा, ठीक है? तो अभी आए इसको पहले समझते हैं किस तरह से इसको हमने करना है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं पहले, और यहाँ पे देखते हैं मीटर रीडिंग 3, हमारे पास जो एक शीट है वो यहाँ सेव होगी। ठीक है, तो अब जी जी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? तो मीटर रीडिंग 3 में ही हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको देखें कि मैं यहाँ पर जैसे प्रीवियस रीडिंग डाल रहा हूँ सपोज टू बी 100, और फिर करंट रीडिंग डाल रहा हूँ सपोज टू बी 150। तो यहाँ पर देखें टोटल यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए, 50। तो यहाँ पर देखें 50 यहाँ एडजस्ट हो गए। अब जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ 250, तो यहाँ पर 100 एडजस्ट हो गए और यहाँ पे 50 एडजस्ट हो गए। और यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ 350, तो यहाँ पे देखें 100 यहाँ एडजस्ट हो गए, 100 यहाँ एडजस्ट हो गए, और 250 जो है यहाँ एडजस्ट हो गए। अब जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ 350, तो यूनिट कंजप्शन हमारी 450, तो हमारी यूनिट कंजप्शन हो गई 350। तो 100 यहाँ एडजस्ट हो गए, 100 यहाँ एडजस्ट हो गए, 50 यहाँ एडजस्ट हो गए, और बाकी सारे 100 यहाँ एडजस्ट हो गए। इस तरह कंजप्शन बढ़ के हमारी चली गई 780 पे, तो बाकी 100 100 100 एंड 250 यहाँ एडजस्ट हो गए, बाकी 430 यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो गए। ये ऑटो एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक है इफ कंडीशन की। तो अब इफ कंडीशन कैसे काम करती है पहले हम उसको यहाँ समझ लेते हैं। लेकिन खाली इफ कंडीशन डायरेक्टली काम नहीं करती, उसमें हमें कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको हम कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये ऑपरेटर इस कंडीशन के साथ यूज होंगे। अब इसको थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं समझ के, कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे सपोज टू बी एक वैल्यू को सेट किया यहाँ पर, और कंडीशन को लगाना है यहाँ पर और आंसर लेना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो देखिए हमने यहाँ पर सपोज टू बी ये जैसे हमने लिख रखा है 1 for male, 2 for female, 3 for female और 4 for others। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है मेल, 2 लिख रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है फीमेल, 3 लिख रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है फीमेल, 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ रहा है अदर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे कैसे चेंज हो रही हैं ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हम कंडीशन को कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, फिर एक टारगेट करेंगे सेल को, ये वाला सेल, अगर ये सेल बराबर है इक्वल टू किसके, 1 के, ये हमारी कंडीशन है, तो क्या होगा कॉमा। भाई तो क्या करना है, अगर आपको आंसर लेना है लेटर्स में तो आप उसको लिखेंगे डबल कोट्स में, ठीक है? अगर आपको आंसर लेना है नंबर में तो आप लिखेंगे बगैर कोट्स के, जैसे भाई अगर ये 1 है तो यहाँ 10 लिखा हुआ आ जाए, सही है? तो अब देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो क्या लिखा हुआ आ गया, 10 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं आंसर ले रहा था इस तरह से डबल कोट्स में, तो आप देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 2 में फॉल्स आ रहा है, और 1 में क्या लिखा रहा है मैं लिखा पा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसका कॉमा लगा कर इसका फॉल्स भी बता दूं कि फॉल्स में क्या लिखा हुआ आ जाए, मैंने कहा फीमेल लिखा हुआ आ जाए, तो एंटर कर दें। तो यहाँ पे जैसे 1 लिखेंगे तो मेल आ रहा है, अब 2 लिखें, 3 लिखें, 0 लिखें, कुछ भी लिखें, कुछ ना लिखें, तो उस सूरत में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि कंडीशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। कंडीशन क्या कह रही है, अगर 10 सेल S10 की वैल्यू 1 हो तो मेल आए, तो वो मेल जब भी आएगा जब इसमें 1 लिखा आएगा, अदरवाइज फीमेल लिखा हुआ आएगा, भले आप उसमें कोई भी नंबर डालें ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अगर S10 की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए 100, क्या लिखा हुआ आ जाए 100, और अगर उसकी नहीं हो तो यहाँ पे लिखा आ जाए 0, मतलब अगर 1 हो तो 100 आ जाए, और अगर कुछ भी ना हो या कोई और नंबर हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए 0, तो वैसे ही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है 0, जैसे ही मैं लिखूंगा 1 तो क्या आ गया 100, जैसे 2 लिख रहा हूँ तो क्या लिखा आ रहा है 0। तो आप आंसर ड्यूअल मोड में ले सकते हैं। ड्यूअल मोड में कैसे, कि कंडीशन ट्रू होने पे क्या आंसर लेना है और नहीं हो तो क्या आंसर लेना है, और आप वन साइड आंसर भी ले सकते हैं। मतलब वन साइड आंसर में मैं इसको यहां से इसको रिमूव कर देता हूँ, बस मैं कहता हूँ अगर F10 हो तो 100 आए, अदरवाइज ये कोड ही ना चले, तो वहां क्या लिखा हुआ आ गया फॉल्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आए, तो कुछ भी नहीं आए तो फिर आपको यहाँ कॉमा लगाना है और यहाँ पे डबल कोट्स लगा देने, तो ये हो गया ब्लैंक, डबल कोट्स माने ब्लैंक्स। तो अब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 100 आएगा, अदरवाइज 2, 3 या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वहां पे ब्लैंक ही शो होगा, बल्कि फॉर्मूला वहां पे लगा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूँ कि 0 आ जाए तो इंटीजर्स में 0 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब आइए इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे सामने एक 680 की वैल्यू है और इसको यहाँ पे स्प्लिट करके आंसर लेना है। स्प्लिट कैसे करना है, 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, और बाकी जो रिमेनिंग बचे वो एक्सेल यहाँ पे एडजस्ट करे यूनिट्स को। मैंने इस सिलसिले में इस सेल का नाम रख दिया है फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में PR नाम रख दिया है इसका, और इस सेल का मैंने नाम रख दिया है फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में जाके CR नाम रख दिया मैंने इसका, और इस सेल का मैंने नाम रख दिया है फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में जाके PU रख दिया है, मतलब PR प्रीवियस रीडिंग, CR फॉर करंट रीडिंग, TU फॉर टोटल यूनिट्स। आइए इसमें फॉर्मूला कैसे लगे, इक्वल टू इफ स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को चेक करेंगे इस वैल्यू को, उस सेल का नाम ही TU है, कह रहे हैं TU की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, ग्रेटर है या इक्वल है 100 के, ठीक है, ग्रेटर है या इक्वल है 100 के, तो उस सूरत में यहाँ पे सिर्फ 100 लिख दो तो ठीक है। तो आपने कहा ठीक है 100 तो लिख दें, लेकिन अगर ना तो वो 100 है ना 100 के बराबर है, तो यहाँ पे दो बातें आती है, या तो वो 100 से कम है या वो 100 से ज्यादा है। तो अब कहते हैं कि पहली बात कि अगर वो 100 या 100 के बराबर नहीं है तो जो भी इसकी वैल्यू है वो लिख दो, तो जो भी इसकी वैल्यू है वो लिख दो। तो यहाँ पे 100 से बड़ी है ना वैल्यू 680, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया 100 आ गया। अब अगर हमारी वैल्यू कम होगी जैसे 100 150 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 50 है वो लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि 100 से कम हो गया, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं दूसरा, इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, अगर चेक करो इसकी वैल्यू, अगर ये ग्रेटर है और इक्वल है किसके 200 के, अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर है या इक्वल है 200 के, तो यहाँ पे क्या लिख दो 100 लिख दो। अदरवाइज क्या लिखो, अदरवाइज जो ये वैल्यू है उस पे से माइनस करो इसको और जो बाकी बचे वो लिख दो, ठीक है। सपोज तो अगर यहाँ 150 है तो देखिए 50 आ गया और नीचे 0 आ गया, 250 गया तो 150 थे, 100 ऊपर आ गए और 50 नीचे आ गए, लेकिन जैसे ही 350 करेंगे तो वो 200 से ऊपर चला गया, 200 से ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आ गया 100, ब्लॉक हो गया इसका बफर, इसका साइज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कहते हैं इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है 250 से, अब यहां पर हम कह रहे हैं ग्रेटर है या बराबर है 250 के, तो कॉमा करके यहां 50 लिख दो, अदरवाइज इसमें से माइनस करो। अब माइनस कराने इन दोनों को, लेकिन दोनों कलेक्टिवली माइनस हो नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सम, और इन दोनों का सम लेके इसको यहां पे बंद कर देंगे और एक ब्रैकेट और ऑफ कर देंगे जो इफ का था, यानी कि इस तरीके से ये ब्रैकेट यहां ऑफ होगा और ये ब्रैकेट यहां ऑफ होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये टी यू में से माइनस हो जाएंगे। तो अब ये आंसर आ गया 50 यहाँ एडजस्ट हो गए, तो 100 100 250, तो 250 यूनिट यहाँ एडजस्ट हो गया, लेकिन जैसे ही हम 450 पे जाएंगे तो वो इसको आगे वैल्यू नहीं देगा क्योंकि इसका बफर हमने 50 पे रखा हुआ है। फाइनली जो बचे हुए सारे यूनिट्स हैं वो यहाँ पे कैसे आएंगे, इसको हम यहाँ कहेंगे इक्वल टू स्टार्ट ब्रैकेट, चेक करो इसको कि अगर इसकी वैल्यू अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर कहेंगे 250 से अबव है, ऊपर कहा था 250 के बराबर है या 250 से ज्यादा है, यहां पे हम कहेंगे अगर इसकी वैल्यू 250 से अबव है तो क्या करो, जो ऊपर हमने ऑपरेशन लास्ट में किया था वो अब यहां पहले कर देंगे, कैसे कॉमा इसमें से माइनस कर दो, सम करो ये ऊपर वाले सारे, ठीक है, और अगर वो 250 से कम है तो यहां पे क्या लिख दो 0 इंटर, तो देखें सारे इधर आ गए। अब मैं यहां कोई भी रीडिंग डाल दूं बड़ी से बड़ी, तो यहां पे 100 150 और बाकी सारे यूनिट यहां पे ऑटोमेटिकली
कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वैल्यू कम डालूंगा, जैसे 110, तो अब यूनिट ही कितने चले 10, तो वो ऊपर वाले 10 में एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे चले 120, यहाँ पे लिखे 220, तो 120, यहाँ पे लिखे 320, तो 100, 120, अब यहाँ पे लिखे 420 या 430, तो 100, 150, 180 नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो यूनिट है वो शुरू वाले यूनिट हमें पढ़ रहे हैं 10 रुपये के, और ये यूनिट पढ़ रहे हैं 18 रुपये के, ये यूनिट पढ़ रहे हैं 20 रुपये के, ये यूनिट पढ़ रहे हैं 80 रुपीज के। यानी कि ये तीसरा मेथड है किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का। पहले मेथड में हमने देखा था क्या, सारी यूनिट्स एक ही रेट पे कैलकुलेट हो गए थे। दूसरे मेथड में हमने देखा क्या, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा था या कम हो रहा था, लेकिन सारे ही यूनिट का बढ़ रहा था, सारे ही यूनिट का कम हो रहा था। तीसरे मेथड में आपने क्या सीखा कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपने उसके स्लैब बना लिए हैं कि भाई पहले वाला जो है हिस्सा वो 10 रुपए के हिसाब से, अगले 100 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से, अगले 50 यूनिट 20, और उसके बाद जो जितना यूज करता है तो उसके यूनिट हिसाब से होंगे। तो यहां पर आपका जो बिल भी जो है वो स्लैब्स में बन रहा है। पहले जो शुरू के 100 यूनिट जो बनाएगा उसका 100 रुपए का बिल बनेगा, जो उसके आगे 100 यूनिट चलाएगा तो 1000 और 1800 रुपए का बिल बनेगा, और फिर जो उसके आगे 20 यूनिट चलाएगा तो उसका फिर आगे बिल बनेगा। यहाँ पे तो कैलकुलेशन ईजी है, यहाँ पे कैसे करना था, यहाँ पे तो आपने सिंपली सम करना है और सम करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और इंटर कर देना है, और इसको तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बाकी यहाँ पे फिर हम इसका सम लेंगे।